क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में लिखा है नंबर ऑफ राउंड दैट कैन अ व्हील ऑफ डायमीटर दिस विल मेक इन गोइंग 4 किलोमीटर। मैंने व्हील वाले क्वेश्चन में ट्रिक बताई थी आपको, ट्रिक नहीं सॉरी मतलब एक फॉर्मूला, कि जैसे व्हील ये है और ये अगर सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ये जो डिस्टेंस है वो कैसे मिलती है, एन इंटू सरकमफ्रेंस बराबर टोटल डिस्टेंस। ये फॉर्मूला याद रखिए, एन का मल्टीप्लाई अगर सरकमफ्रेंस में कर दें यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का मल्टीप्लाई सरकमफ्रेंस में कर दोगे तो वो टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा। समझो बात को, समझो बात को, क्या बताया मैंने, मैंने बोला कि जो एन है यानी जो व्हील का नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है उसका मल्टीप्लाई अगर सरकमफ्रेंस में होता है तो वो टोटल डिस्टेंस के बराबर होता है, क्योंकि ये व्हील जितना घूमेगा, झिक 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 जितना घूमेगा ठीक है उसी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस मिल जाएगी। आया सबको समझ में? तो देखो कितना आएगा, हमें एन पता करना है, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, टोटल डिस्टेंस है बेटी बेटा किलोमीटर में 4 किलोमीटर। अच्छा हमें पता है कि ये मीटर में है, रेडियस डायमीटर जो भी है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 4000 मीटर हो जाएगा, यस और नो? बस इसमें एक बात का ध्यान रखें, यूनिट कन्वर्जन कर लेना, एक में रखना है आपको, तो ये आपका रिजल्ट आएगा ठीक है। अच्छा जी तो एन इंटू पाई तो बेटा हमारा 22.7, तो एन इंटू 2 × 22.7, रेडियस कितना है मेरा, डायमीटर है 7/11, तो डायमीटर है अगर 7/11 तो रेडियस कितना होगा, 7/11 का हाफ कर दो तो क्या 7/22 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इक्वल टू 4000। तो भैया ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हमारी एन की वैल्यू बेटा 2000 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बता दो जरा फटाफट कमेंट सेक्शन में। क्या यहाँ पे सी पार्ट आ गया, किस किस का आंसर 2000 आ गया, किस किस का आंसर आ गया 2000?